बंदी वाले दिन भी दुकानदार अपनी दुकान खोल कर बैठे थे, जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि झांसी जिले के मोट कस्बा में जिलाधिकारी के आदेश पर गुरुवार को बंदी दिवस मनाया जाता है, जिसको देखते हुए आज जिला प्रशासन के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी पल्लवी सिंह मोट कस्बे पहुंची थी, जहां उन्होंने बंदी दिवस के दौरान खुली दुकानों पर कार्रवाई कर दी। उन्होंने जो दुकानें संचालित हो रही थी उनके चालान काट दिए। साथ ही दुकान पर एक किशोर मजदूरी करते पाया गया, जिस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि लगातार मना करने के बाद भी कुछ दुकानदार बंदी के दिन दुकान खोलते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं, और नियमों के उल्लंघन पर आज यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। क्या नाम है आपका? आज अपने किस पर कार्रवाई की है? मेरा नाम पल्लवी सिंह है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी। डीएम सर द्वारा यहाँ पे मोट में साप्ताहिक बंदी के रूप में बृहस्पतिवार निर्धारित किया गया है, और एसडीएम सर द्वारा और डीएलसी महोदय के निर्देश क्रम में मैं आज यहाँ पे साप्ताहिक बंदी के लिए आई हूँ। 5 दुकानें यहाँ खुली पाई गई, जिनका चालान किया गया है, जिनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई नाबालिग बच्चे को भी आपने जो काम कर रहा था उसके लिए भी कुछ कार्रवाई? एक दुकान खुली पाई गई थी जिसपे लगभग 16 वर्ष का एक किशोर बालक लगा था, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चालान किया है मैंने, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मोट से यशपाल सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। शुद्धता की कसौटी पर एकदम खरा पांडे मिष्ठान भंडार, यह सिर्फ बरुआ सागर में नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। सन 1963 से आज तक विश्वास और स्वाद का दूसरा नाम है पांडे मिष्ठान भंडार। नाम सुनकर मुंह में आ जाए पानी, यही तो है पांडे जी के रसगुल्ले की निशानी। तो फिर देर क्यों भैया, आइए और नए वर्ष पर अपना मुंह मीठा कीजिए। पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड बरुआ सागर, झांसी।